हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर देवयानी एंड यू आर वॉचिंग एपिस्टेसिस। सो आज हम लोग जो सीबीएसई क्लास 11 के जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स करके जो चैप्टर है यूनिट 2 के, उसमें फर्स्ट एनिमल टिश्यू आपके रिड्यूस सिलेबस में है। तो अभी आज के इस वीडियो में ये दो पार्ट में होगा, दो पार्ट में हम ये एनिमल टिश्यू का क्विक रिविजन करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो स्ट्रक्चरल जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है यूनिट 2 के अंदर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें से बस एनिमल टिश्यू आप लोगों के इस सेशन, दैट मीन्स 2020-2021 वाले सेशन में बस एनिमल टिश्यू वाले पोर्शन ही है। ठीक है, तो आपको बस ये पोर्शन ही अपने बोर्ड के लिए करना है, लेकिन नीट के लिए पूरा चैप्टर ही है, क्योंकि नीट का अभी कोई रिवाइज सिलेबस आया नहीं है। तो इसका जो पहला वाला फुल चैप्टर है वही उसके सिलेबस में रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिसेल्युलर, इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल्स, इसमें बस एक ही सेल होता है। सो दैट सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा सेल ही नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जहां पे मोर देन वन सेल रहता है, उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो स्पेशलाइज काम के लिए असाइंड हो जाते हैं। ओके, सो दे आर स्पेशलाइज टू डू सम पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, सो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स आर एक्चुअली कॉल्ड टिश्यू। सो ये टिश्यू, जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल, यहाँ पे मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ सेल्स, सपोज ये डेजिग्नेटेड है एज टू डू डाइजेशन, दिस ग्रुप इज डेजिग्नेटेड टू रेस्पिरेशन। सो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में भी जो प्रिमिटिव वाले हैं, जैसे हाइड्रा भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं थाउजेंड्स में, एंड डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम करते हैं। लेकिन अगर जो एडवांस्ड एनिमल्स है एंड मेनली इन केस ऑफ ह्यूमंस, इसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सो ये ग्रुप ऑफ सेल्स आर मेनली कॉल्ड टिश्यूज, एंड दिस टिश्यूज आर मेनली डेजिग्नेटेड टू डू सम इम्पॉर्टेंट एंड पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू और डिफरेंट टिश्यूज विथ सेम फंक्शन कैन फॉर्म ऑर्गन। ओके, ऑर्गन फॉर्म कर लेते हैं। सो ये ऑर्गन भी पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड है। अगेन अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर जस्ट फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, एंड दिस ये ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन वो पर्टिकुलर, सपोज डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सो इसका काम ही है जो फूड हम इंटेक करते हैं उसका डाइजेशन करना। लेकिन इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स है लाइक स्टोमैक और पैनक्रियास, लीवर एक्सेट्रा। सो दिस ऑर्गन्स डू स्पेसिफिक वर्क और पर्टिकुलर वर्क विच इज रिलेटेड टू डाइजेशन। सो दैट्स वाई हियर डिविजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, दैट मीन्स डाइजेशन इज द मेन फंक्शन एंड इसके बाकी छोटे छोटे जो फंक्शंस है इसको एक एक ऑर्गन काम करता है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड दैट ऑर्गन सिस्टम में डिविजन ऑफ लेबर देखा जाता है। नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे इतने बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो इतने सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस कर बनाते हैं, एंड ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन मेनली टिश्यूज आर ऑफ ओनली 4 टाइप्स। ओके, सो ये सारे ओनली मेनली दे आर ऑफ 4 टाइप्स, एंड इसमें से ही ये सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। सो दीज 4 टाइप ऑफ टिश्यूज आर एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। नाउ फर्स्ट कम टू द एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम एपिथेलियम भी बोलते हैं, एंड आप लोगों को पता है ये टर्म यूज होता है जब भी कभी हम कोई कवर या फिर लाइनिंग की बात करें। जैसे कोई भी फ्री सर्फेस हो, हमें हमारा जो स्किन है जो बाहर आउटर सर्फेस में के तरफ होता है, सो विच इज फेसेस either a body fluid or outside environment. So in case of skin it is facing outside the environment, so isme hota hai epithelium. Again koi bhi intercellular organ jo body fluid ki taraf face karta hai, ye some part of our body internal organs can also be covered through this type of tissue and they are called epithelial tissue.
ओके. सो यहाँ के जो सेल्स होते हैं ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होके बैठते हैं. दैट मीन्स देयर इज वेरी लिटिल इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट हियर. ओके, बिकॉज सेल्स आर अरेंज्ड इन अ वेरी टाइट फैशन. ओके, सो वेरी लिटिल ICM, दैट मीन्स इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट. तो कोई भी दो सेल के अंदर स्पेस बहुत कम होता है. नेक्स्ट, दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स का बस एक सिंगल लेयर ही रहता है, ओनली वन सिंगल लेयर इज देयर एंड इट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. इन केस ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इसमें मल्टी लेयर होता है. दैट मीन्स ये सिंगल लेयर के जगह यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स रहते हैं. ओके, सो दे आर कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. नाउ मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर. ओके, आपके बुक में जो जैसे भी ये मेनली क्विक रिविजन एनसीईआरटी के बुक से है, आप लोगों को पता है हमारा स्ट्रेटेजी क्या है एनसीईआरटी बुक के. हर फिगर, हर समरी, हर लाइन्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड उसके बाद आप लोग जो भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर दूसरे जो कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें एंड उसमें जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको मिलता है उसको रेफरेंस बुक से जाके बस उसी पोर्शन को पढ़ें. मेनली रेफरेंस बुक को फॉलो ना करें, मेनली एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करें. ओके, सो स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर जो सेल्स हैं, स्क्वामस सेल्स, सो एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है उसी को मैंने, ये मेरा हैंड रिटन नोट है तो आप लोग भी इसी तरह अपना हैंड रिटन नोट बना लें. एंड यहाँ पे मेरा दूसरा वीडियो भी है जिसमें हाउ टू मेक हैंड नोट्स मैंने दिया है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं. सो स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर ये जो तीन डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है इसको एज अ पैराग्राफ बुक में लिखा हुआ है तो इसको आप एज ए डिफरेंस आपके नोट्स में लिख ले. सो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स बहुत फ्लैट एंड होते हैं. सो जस्ट सी, दे आर फ्लैट एंड सेल्स. ओके, सो दे आर फ्लैट एंड सेल्स. दिस फिगर इज करस्पॉन्ड टू स्क्वामस एपिथेलियल. क्यूबॉइडल टिश्यू में ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स के. एंड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में यहाँ पे स्लेंडर एंड कॉलम लाइक और पिलर लाइक सेल्स होते हैं जिसके न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस होता है जो ऑलमोस्ट नीचे की तरफ सेल्स के कोई भी एक साइड की तरफ होता है. ठीक है, सो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज आर सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड सेल्स. सो दिस इज सिंगल थिन लेयर्ड एंड फ्लैटेंड सेल्स. क्यूबॉइडल भी सिंगल होता है, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं. सिंगल लेयर टॉल एंड स्लेंडर सेल्स न्यूक्लियाई एट द बेस, ये होता है कॉलमनर सेल में. सो कोई कोई सेल्स में, मोस्ट ऑफ द सेल्स के बेस में न्यूक्लियस होता है. नेक्स्ट, ये कहाँ रहता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू? ब्लड वेसल्स में, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में. क्यूबॉइडल टिश्यू रहता है डक्ट्स ऑफ एनी ग्लैंड या फिर ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स. तो जब हम लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे पता होगा कि PCT, दैट मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं. नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में होता है कॉलमनर सेल्स. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट फंक्शन दिस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी. जैसे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन इज डिफ्यूशन. ओके, सो इसलिए ये ब्लड वेसल्स में रहते हैं, ईयर सैक्स ऑफ लंग्स में रहते हैं जिसका मेन काम है डिफ्यूज करना, राइट, गैसेस की डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द मेन रोल ऑफ क्यूबॉइडल टिश्यू. सो ये भी ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स में, जहां पे सिक्रीशन भी होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो ये दो चीज होते हैं. एंड द सेम सिमिलर फंक्शन इज देयर फॉर कॉलमनर सेल्स ऑल्सो. इसका भी मेन फंक्शन है सेम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. नाउ इसका कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल में हमें माइक्रोविली देखने को मिलता है. माइक्रोविली मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. सो सेल्स के बॉर्डर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखा जाता है जो मेनली पेसिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में होता है. ये क्या करते हैं, सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो. एंड बोथ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल्स का फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसलिए स्टमक और इंटेस्टाइन के सेल्स, किसी किसी सेल्स में भी माइक्रोविली देखा जाता है. नाउ यहाँ पे सिलिएटेड
कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज भी होते हैं, सो दिस इज एन एक्सेप्शन. यहाँ पे सीलिया रहता है, कलमनर सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सीलिया रहता है. सो कोई भी सीलिया का काम है मूव करना, पार्टिकल्स को मूवमेंट में हेल्प करना. सो ये मूव पार्टिकल्स इन द इनर सर्फेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन. सो ये पार्टिकल्स को मूव करते हैं लाइक ब्रोंकियोस एंड फैलोपियन ट्यूब. सो फैलोपियन ट्यूब्स में भी सीलिएटेड कलमनर सेल्स रहते हैं जो पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करता है, राइट. नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स. कोई कोई एपिथेलियल टिश्यूज में ग्लैंड्स होते हैं. सो ग्लैंड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. यहाँ पे आइसोलेटेड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आइसोलेटेड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. ओके, सो दीज आर आइसोलेटेड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. एंड यहाँ पे एग्जाम्पल इज गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल में, जो गॉबलेट सेल स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होता है उसमें वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. एंड ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. एग्जाम्पल इज सलाइवरी ग्लैंड. सो ये है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं. अगेन दिस ग्लैंडुलर ग्लैंड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स एंड एंडोक्रीन ग्लैंड्स. एक्सोक्रीन ग्लैंड्स विथ डक्ट्स को बोलते हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन को विथ डक्ट बाहर भेजते हैं. लाइक इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, म्यूकस, सलाइवा, मिल्क एक्सेट्रा. सो दीज आर एक्सोक्रीन ग्लैंड्स. एंड एंडोक्रीन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट को हॉर्मोन्स बोलते हैं जिसमें कोई भी डक्ट नहीं होता, डायरेक्टली सिक्रीशन को अपने सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है. सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज कैन बी ग्लैंड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन. नाउ कम टू द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ पे कंपाउंड मतलब ये मल्टीसेलुलर. सो जस्ट सी दिस फिगर, यहाँ पे मल्टीसेल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है. सो मल्टीपल लेयर्स आर प्रेजेंट. सो इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी केमिकल और मैकेनिकल शॉक्स. ऑल्सो कवर्ड आवर ड्राई सर्फेस, मॉइस्ट सर्फेस इन द बकल कैविटी और इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स एक्सेट्रा. सो यहाँ कहीं पे हमें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है, राइट. सो दिस इज अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. नाउ यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज में और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट इट इज कॉल्ड सेल जंक्शन. सेल जंक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स, टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन. सो ये जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी इस ये रिपीट होगा, दिस डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शन. सो टाइट जंक्शन दो डिफरेंट दो सेल्स के अंदर बीच में जो जंक्शन होता है, सो दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, एंड दिस इन बिटवीन टू डिफरेंट सेल जंक्शन, सेल जंक्शन उसी पोर्शन को कहते हैं. एंड टाइट जंक्शन में दे स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग. ओके, सो यहाँ दैट्स वाई देयर कॉल्ड टाइट जंक्शन. यहाँ पे कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो सकता इफ देयर इज टाइट जंक्शन इन बिटवीन टू सेल्स. एडेरिंग जंक्शन, यहाँ पे एक सीमेंटिंग मटेरियल रहता है. सो दे जस्ट परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टूगेदर. सो दे जस्ट हेल्प टू एडेयर टू ईच अदर. ओके, सो दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैन एडेयर विथ ईच अदर थ्रू दिस एडेयरिंग जंक्शन. नेक्स्ट इज गैप जंक्शन. सो गैप जंक्शन नाम से ही पता चलता है, इसमें गैप रहता है, इसमें पर्टिकुलर प्रोटीन रहता है कनेक्सॉन जो एक गैप फॉर्म करता है दोनों सेल के सेल मेम्ब्रेन में. एंड इसके थ्रू कोई भी मटेरियल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब ट्रांसफर होते रहता है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गैप जंक्शन. ओके, सो टाइट जंक्शंस, एडेयरिंग जंक्शंस, डिस्मोसोम्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस, राइट. नाउ दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. Now come to connective tissue. So connective tissue is another type of animal tissue. They are most abundant and इसमें बहुत सारे different type of connective tissue है. And they are widely distributed in the body of complex animals में connective tissue रहता है. So इसके नाम से पता चलता है they are just linking and supporting other tissues or organs in the body. So इनका काम है support करना और एक दूसरे के अंदर link, connection maintain करना. So all the connective tissue except blood. Blood is a special type of connective tissue. ब्लड को छोड़ के बाकी जो भी कनेक्टिव टिश्यू है ये एक फाइबर सिक्रीट करता है. एंड इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड दिस फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर, राइट. सो ये यहाँ पे
कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करता है फाइबर, बस ब्लड कोई फाइबर सिक्रीट नहीं करता है। इसको छोड़ के और जो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है लाइक बोन्स, कार्टिलेज एक्सेट्रा, सो ये सब एरियलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सब में दिस ये एक फाइबर है जो रिलीज करता है, सिक्रीट होता है, राइट। सो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स। सो ये जो सेल से फाइबर सिक्रीट होता है, ये सेल्स और फाइबर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है, ठीक है। एंड दिस पॉलीसैकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड इज एक्टिंग एज अ मैट्रिक्स, इसलिए सारे कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होते हैं, राइट। जो ये सेल्स एंड उसके सिक्रीट किए गए जो भी फाइबर्स हैं उसको एक्यूमुलेट करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में ये सेल्स एंड फाइबर्स जो मैट्रिक्स फॉर्म करने में हेल्प, मैट्रिक्स मेनली रहता है, दे आर लूजली अरेंज, सो दे आर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू, अरेंज्ड इन अ वेरी सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, सो द मैट्रिक्स इज ऑल्सो सेमी फ्लूइड, राइट। सो इसमें सेल्स एंड फाइबर्स ये बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। एंड टू टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, राइट। नाउ एरियोलर टिश्यू जस्ट स्किन के नीचे वाले पोर्शंस में रहता है, ये जस्ट क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं स्किन एंड मसल्स जो है, इसके अंदर ये एरियोलर टिश्यू रह के ये दोनों को अटैच करके फिलिंग एज ए फिलर काम करते हैं, ओके। सो इसमें एरियोलर टिश्यूज में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होता है जिससे फाइबर्स सिक्रीट होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं एंड एक्सेट्रा, सो ये जो भी है ये सपोर्ट करता है एपिथेलियम को, अगर एपिथेलियम के नीचे हॉलो स्पेस होता सो इसका स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो सकता, सो ये सपोर्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज को, राइट। सो दिस इज द फिगर ऑफ एरियोलर टिश्यू, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लास्ट सेल्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इसमें रहते हैं। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यूज, ये भी स्किन के नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं एंड देयर मेन फंक्शन इज टू स्टोर फैट, ओके। सो यहाँ पे स्पेशल फैट स्टोरिंग सेल्स रहते हैं जिसके अंदर फैट स्टोर होता है, राइट। सो दिसली सो दैट्स व्हाई दिस टिश्यूज आर कॉल्ड एडिपोज टिश्यू एंड ये स्किन के जस्ट नीचे रहते हैं। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज एंड दे आर ऑफ टू टाइप, एरियोलर एडिपोज, राइट। नेक्स्ट कम टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सो नाम से पता चलता है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, फाइब्रोब्लास्ट दैट मीन द सेल्स विच रिलीज फाइबर्स, सो दिस फाइबर्स एंड द सेल्स आर कम वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज, सो दे आर अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू, yeah, so tendon is an example of dense regular, so this is a figure of dense regular, so ye has cells and these lines are fibers, so they are arranged parallelly with each other, right, so ye ek arrangement ka ek pattern hai, right, so ye bahut closely packed hota hai and they are arranged in a regular fashion, so that's why they are called dense regular connective tissue, example is tendon. एंड दिस इज डेंस इरेग्युलर, यहाँ पे सेल्स भी है, कोलाजन फाइबर्स भी है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये ऐसे ही रैंडमली अरेंज होता है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू, एज एग्जाम्पल इज स्किन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगेन देर आर अनादर टाइप इज कॉल्ड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज में तीन टाइप के सेल्स आते हैं, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, so they are all comes under specialized connective tissue. So cartilage में क्या होता है, intercellular matrix solid होता है, pliable, resist compression, कोई भी compression को ये resist कर सकता है, and this cell specific cells are called chondrocytes, so this is the figure of cartilage, so these are the cells, specialized cells of cartilages are called chondrocytes and they enclose in small cavities, so these cavities are called lacunae, jiske andar chondrocyte cells hote hain,
सो कार्टिलेज कहाँ पे मिलता है? टिप ऑफ आवर नोज, नोज के एकदम टिप में, आउटर ईयर ज्वाइंट, सो यहाँ सब ये सब पोर्शंस में कार्टिलेज रहता है जिसका इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स सॉलिड होता है, प्लीएबल हो है एंड दे रेजिस्ट कंप्रेशन, राइट? सो दिस इज कार्टिलेज. नाउ कम टू बोन. सो बोन, सो दिस इज द फिगर ऑफ बोन. बोन्स आर हार्ड, नॉन प्लीएबल, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स. यहाँ पे सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलाजन इज कोलाजन एंड बोन. यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर कार्टिलेज में दे आर प्लीएबल एंड दे सॉलिड होता है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता है. नो टिप ऑफ आवर नोज, दिस इज नॉट हार्ड लाइक बोन, राइट? लेकिन बोन इज हार्ड एंड नॉन प्लीएबल, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर. सो इसमें एक, सो दिस इज द फिगर ऑफ बोन. नाउ इसके इसका एक स्ट्रक्चरल, ये मेन क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेम को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू, जो भी हमारा सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है वो उसको प्रोटेक्ट करता है बिकॉज इट इज हार्ड. एंड बोन सेल्स आर पर्टिकुलरली कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स एंड दे आर प्रेजेंट इन साइड लैक्यूनी. ओके, सो कॉन्ड्रोसाइट इज द स्पेशलाइज सेल्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन. Osteocytes are special cells or the bone cells, and mainly limb bones with skeletal muscles. So specifically हमारा जो limb bones है उसके वो skeletal muscle के साथ बहुत ज्यादा attached होता है. So bones and muscles are just attached with each other, right? Another special connective tissue is blood. So blood के बारे में हम blood fluid और circulation chapter में ज्यादा detail में पढ़ेंगे. Main चीज is it is fluidic. So इसका जो matrix होता है वो एकदम fluid होता है. So यहाँ पे कोई भी fibers, collagen, elastin fiber नहीं होता. And इसका इसमें कुछ corpuscles, that means cells होते हैं. And इसका एक fluidic part होता है. So this fluidic part is called plasma. And the corpuscles are of different type like RBC, red blood corpuscles, WBC, white blood corpuscles and platelets. And इसका main काम is transport of various substances like oxygen, carbon dioxide and food nutrition etc. So main function of blood is to transport important substances to each and every part of our body. So these are different corpuscles of blood. So this is the end of this video, and in part 2 we will discuss about muscle and neurons, right? So yeah, thanks for watching. If you like my videos, please subscribe to Epistasis and see different other videos of your syllabus, class 11 CBSE. And these videos are also helpful for those who are opting for biology in different competitive exam. So don't miss it, and see the next part of this video. Till then, take care.